एक बिल। ये बिल प्रणाली 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल है क्या। अगर 50,000 रुपए से अधिक कीमत का कोई प्रोडक्ट राज्य या राज्य से बाहर भेजा जाता है तो सप्लायर को ई वे बिल जनरेट करना होगा, मतलब GSTN पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। खरीदार को भी GSTN पोर्टल पर जानकारी देनी पड़ेगी कि उसने वस्तु को खरीदा या रिजेक्ट किया। कोई जानकारी ना देने पर उसे खरीदा ही माना जाएगा। जब सप्लायर ई वे बिल को GSTN पोर्टल पर अपलोड करेगा तो एक यूनिक ई वे नंबर यानी EBN जनरेट होगा। ये एक EBN सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और खरीदार तीनों के लिए होगा। जो वस्तुएं GST के दायरे में नहीं आती हैं, उन पर भी ये बिल लागू होगा। एक ही ट्रक में कई कंपनियों का सामान होने पर ट्रांसपोर्टर को एक कंसोलिडेटेड बिल भी बनाना होगा। ये बिल 1 से 15 दिनों तक मान्य होगा। ये मान्यता प्रोडक्ट ले जाने की दूरी के आधार पर तय होगी। 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 1 दिन का ई वे बिल बनेगा। 100 से 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 3 दिन, 300 से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 दिन, 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 दिन और 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15 दिन। इस ई बिल के आने के बाद टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। सरकारी राजस्व 20% तक बढ़ जाएगा। सामान की आवाजाही आसान होगी। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से प्रिंटआउट निकालने की जरूरत नहीं होगी। ई वे बिल से हर दिन लगभग 50 टन कागज की बचत होगी। इस तरह से बड़ी संख्या में पेड़ कटने से बचेंगे, यानी पर्यावरण को फायदा होगा। कुछ प्रोडक्ट्स पर ई वे बिल लागू नहीं होगा। इनमें से कॉन्ट्रासेप्टिव, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर, न्यूज़पेपर, ज्वेलरी, खादी, रॉ सिल्क, इंडियन फ्लैग, ह्यूमन हेयर, काजल, दिए, चेक, म्युनिसिपल वेस्ट, पूजा सामग्री, LPG, केरोसिन, हीटिंग एड्स और करेंसी शामिल है। अनुमान है कि हर दिन लगभग 40 लाख ई वे बिल जनरेट होंगे। तो अब इस बिल के बारे में सारी जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। आप इधर उधर की बातों में आकर ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा।